Have with us an academician and a journalist par excellence. I would hand over the mic to Janab Rauf Sahab to kindly address this august gathering, please. Assalamu alaikum. Sabse pehle main is shandar program ki शंगरीला इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर एजाज साहब को बहुत 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 हार्दिक बधाई देता हूं कि आप मेरी मुबारकबाद कबूल करें। मैं समझता हूं इनकी जो कोशिश रही है, इनका जो प्रयत्न झलकता है बच्चों के परफॉर्मेंस में, मैं समझता हूं इतने तालियां काफी नहीं है, जोरदार तालियों में हॉल गूंजना चाहिए प्रिंसिपल सर के लिए। बहुत 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 खूब परफॉर्मेंसेस यहां पर हुए हैं। मैं तकरीबन 2 या 3 घंटे से इस टैलेंट से महसूस हो रहा हूं और यहां मैं आज उपस्थित भी 3 कारणों से हुआ हूं, वो आपको बता दूं। पहला है इस स्कूल की जो एसएससी टॉपर है मेराज सुल्ताना, वो मेरी भतीजी है। मेरे दोस्त मेरे भाई नेमतुल्ला बेग की वो साहेबजादी जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से इस स्कूल में एसएससी में टॉप किया है, आई थिंक 9.7 जिसका स्कोर रहा है। जोरदार तालियां मेराज के लिए। और दूसरा कारण है खुद प्रिंसिपल सर डॉक्टर एजाज साहब, जो काफी मेहनत से अपना स्कूल चला रहे हैं और साथ ही साथ न सिर्फ तालीम बल्कि जो कल्चरल प्रोग्राम है, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ये बहुत 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 अच्छी बात है और इसमें आपका सहयोग, पेरेंट्स का साथ इनकी लगन को, इनकी मेहनत को और ऊंचाई तक ले जाता है और एक तरह से ये सोने पे सुहागा है। और तीसरा कारण है मेरे मरहूम दोस्त जिन्हें मैं बहुत देर से याद कर रहा हूं, हमेशा याद करता हूं, सनराइज स्कूल के बानी जनाब हफीज साहब जो आपके मामा थे, उनकी अचानक मौत तो हो गई लेकिन वो आज हमारे बीच हैं, उनकी यादें हमारे बीच हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो मैं इन 3 कारणों से यहाँ उपस्थित हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि शंगरीला हाई स्कूल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहे और यहाँ के बच्चे सारे देश और सारे विश्व में अपना नाम कमाए, इंशाल्लाह आमीन। थैंक यू। आई वुड नाउ हैंड ओवर द माइक टू अनदर एकेडमिशियन हु इज देयर ऑन स्टेज, सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि इतनी बहुत ही अच्छी महफिल में मुझे याद किया गया और मैं देख रहा था इतनी देर से जितनी परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छी मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है, क्योंकि इतनी जानदार अगर परफॉर्मेंस हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी मेहनत उस पर की गई होगी, चाहे वो आपके प्रिंसिपल हों चाहे टीचर्स हों। और आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। एक खास बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक दौर वो था जो हमारे घर में एक बॉक्स आया था जिसका असर अब वैसे कम हो रहा है, जिसको आप इडियट बॉक्स कहते हैं, जो टीवी के नाम से मशहूर है, उसने हमारा काफी वक्त खा लिया था। अब हमारे पास एक और बंदा है जो हालांकि है तो हमारी जेब में लेकिन हमको बहुत परेशान करता है, इस वजह से कि एक जो मैं एक सहाफी के तौर पे गुज़िश्ता 25 सालों से इस शहर में घूमता हूँ, देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे वो चाचा दादा नाना जो भी हुआ करते थे मोहल्ले में वो दिखाई नहीं देते आजकल, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं था लेकिन हम उनसे डरते थे कहीं कुछ ऐसा काम करते हुए घर से दूर जाते हुए या लड़ते हुए झगड़ते हुए, वो लोग हमको आजकल दिखाई नहीं देते, दिखते भी हैं तो उनकी वो कीमत, उनकी वो अहमियत सोसाइटी में नहीं रही। अब आप देखिए कि व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं
और बहुत खूबसूरत मैसेज होते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे एसएमएस हो। ऐसा लगता है कि दिन भर वो हिदायतों की एक किताब हमारे सामने खुली है। ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग रोजाना हमको बहुत सारी नसीहतें कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो हमारी जेब में हो उससे हम नसीहतें कैसे कबूल कर सकते हैं? तो हम नसीहतें कबूल करने के लिए एक, चाहे वो माँ बाप हों चाहे उस्ताद हों, और वो बुजुर्ग जो हमारे मोहल्ले में बस्ती में मस्जिद के आसपास जहाँ भी हों, मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है कि हम उनकी अहमियत को अब फिर से महसूस करें कि हमारा व्हाट्सएप भला नहीं कर सकता। ठीक है, वो इतलात दे सकता है, हमें इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है, लेकिन नसीहत नहीं दे सकता। नसीहत के लिए उस्ताद की बहुत ज़रूरत है। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि उस्ताद हमेशा हमारी, मतलब एक अजमत के तौर पे कि हमारी सोसाइटी में एक शख्सी उस्ताद, कभी टेक्नोलॉजी उस्ताद नहीं बन सकती क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं सुधार सकती। ज़िंदगी में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ शंगीला स्कूल और उन स्कूल की सारी टीम को कि इतना बेहतरीन काम आपके सामने पेश किया है, और मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहे। नए नए जो नई नस्लें आ रही हैं उनको ये इसका फ़ायदा पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं चाहूँगा कि हॉल तालियों की आवाज़ में गूंजता रहे जब हम अवार्ड्स आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला अवार्ड जो मुनाकिद किया गया है मेरे दादा मरहूम जनाब एजाज हुसैन साहब की याद में, फॉर द टॉपर इन बॉयज एंड गर्ल्स, अ कैश अवार्ड ऑफ रुपीज 2000 ईच एंड अ गोल्ड मेडल फॉर द टॉपर इन एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन। जोरदार तालियों की गूंज में मेराज सुल्ताना हु हैज मेड अस प्राउड विद 9.7। आई रिक्वेस्ट हर टू प्लीज कम ऑन टू द डायस। आई वॉन्ट टू कॉल ऑन डायस जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब, रईस अहमद सिद्दीकी साहब, सैयद फसीउद्दीन सफदर साहब टू प्लीज कम and do the honors for all of us. Please give a huge round of applause for them. I request all the people who have been selected for the awards to please be ready so that we save some time in this particular pursuit of ours. Miraj Sultana, I would request her to come along with her father, who himself is a versatile artist. Huge round of applause. आज की महफिल की खुशकिस्मत है कि इनकी लड़की 9.7 out of 10 लेके आकर शांग्रीला इंग्लिश हाई स्कूल को मंडल में टॉप पोजीशन पे लाने में हमारी मदद की है। मेराज सुल्ताना, जनाब सैयद रफीउद्दीन सफदर साहब विल डू द ऑनर फॉर मेराज सुल्ताना। एवरीबॉडी कम ऑन, it is my students who make always proud and ye ek sense of motivation hai sab ke liye। khush kismat rahoge jo mere ab bacche 10th class mein hai, apne walid ke sath aake is tarah se apna award le jao, mehnat karo inshallah taala। all of you from the boys, thank you so much। from the boys fehman mohammad fehman, I request sayyid फसीउद्दीन सफदर साहब टू काइंडली डू द ऑनर्स फॉर मोहम्मद फहमान हु इज द टॉपर अमंग्स द बॉयज। एवरीबॉडी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मोहम्मद फहमान, अ स्टूडेंट ऑफ 2017 बैच ऑफ शांग्रीला इंग्लिश हाई स्कूल, बीइंग प्रेजेंटेड द जनाब एजाज हुसैन मेमोरियल अवार्ड। कम ऑन एवरीबॉडी, नाउ वी हैव टू प्रेजेंट बिफोर यू द बेगम बिलखिस जहां मेमोरियल अवार्ड। एक ऐसी शख्सियत में ऐसा अवार्ड मुनाकिद किया गया है जो बहुत खुश होती थी उनसे, जो मुझे डराती थी पढ़ ले इस वजह से क्योंकि तुम्हारे वालिद तुमको डांटेंगे। उनकी बेपनाह मोहब्बत जिसकी कमी हर पल में महसूस करता हूँ। बेगम बिलखिस जहाँ की याद में, फॉर द टॉपर्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 9 GPA इन SSC पब्लिक एग्जामिनेशन, आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। Please come on to the stage, all the students who have secured more than 9 on the stage।